नमस्कार, स्वागत है आपका खासखबर.com पर और मैं हूं पलक गुप्ता। आइए डालते हैं एक नजर हरियाणा की खास खबरों पर। भाजपा सीईसी की बैठक में 50 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों पर मुहर, करनाल की बजाय लाडवा से लड़ सकते हैं सीएम सैनी। हरियाणा में एनआईए ने कम्युनिस्ट नेता को हिरासत में लिया। बठिंडा में बीकेयू क्रांतिकारी की महिला नेता पर रेड, भड़के किसानों ने जाम लगाया। रोहतक में भाजपा के पूर्व मंत्री की बढ़ी मुश्किलें, चुनाव आयोग ने डीसी से मांगी रिपोर्ट, एसपी को धमकी देने का आरोप। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, भाजपा कांग्रेस को हुई जेजेपी एएसपी गठबंधन की घबराहट। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, कांग्रेस सरकार बनने पर किया जाएगा अपराध का सफाया, व्यापारियों को मिलेगी सुरक्षा। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, रेप की घटना पर सुसाइड का आवरण पहनाने की कोशिश, सीएम ममता बनर्जी का बयान निंदनीय। सिरसा से लोकसभा सांसद कुमारी सैलजा ने कहा, हार के खौफ से निकाय चुनाव से भागी भाजपा सरकार। हिसार नगर निगम दफ्तर में जीन्स और चप्पल पर प्रतिबंध, कमिश्नर वैशाली शर्मा ने क्यों दिया ये आदेश। सीएम के रोड शो में 13 कार्यकर्ताओं की जेब कटी, किसी के मोबाइल तो किसी की जेब से नकदी चोरी। सिमरनजीत सिंह मान का भारत सरकार के खिलाफ विवादित बयान, खालिस्तान की मांग का भी किया समर्थन। जर्जर माध्यमिक स्कूल पर ग्रामीणों ने जड़ा ताला, बोले बिल्डिंग नहीं बनी तो बच्चे नहीं जाएंगे स्कूल। नूह में बरसात से हुआ जलभराव, निकासी के लिए विधायक आफताब अहमद ने डीसी से की मुलाकात। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी खबरें विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.खासखबर.com पर लॉगिन करें और प्ले स्टोर से जाकर के हमारे ऐप खास खबर को डाउनलोड करें। नमस्कार।